और वहीं खरगोन हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा था कि क्या तलवार और लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है, क्या खरगोन प्रशासन ने इजाजत दी थी, लेकिन वो तस्वीर खरगोन या एमपी की ना होकर बिहार के मुजफ्फरपुर की थी। गलती का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने दिग्विजय को घेर लिया है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि मेरे ऊपर चाहे लाख एफआईआर दर्ज कर ले, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर हो, एक ना एक लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है सर। मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, ट्वीट में भी क्या था जी? मैंने प्रश्न पूछा है जी, क्या ये उचित है? उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना उन्माद फैलाना है तो सर आपको लगे कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी का आपके पूरे देश में? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।